अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा रजिस्टर्स को विद टाइमर कैसे यूज़ किया जाता है और डेटा रजिस्टर्स को इसके साथ यूज़ करने का क्या मकसद होता है। तो आइए मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लिए चलता हूँ। ये एक प्रोग्राम है मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डेटा रजिस्टर्स को टाइमर के साथ क्यों यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोग्राम को मैं डिलीट करता हूँ, मैंने डिलीट किया प्रोग्राम, और ये मैं आप कंपाइलर से जो है ना कंपाइल कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ LDM0TMR T0D450 और LDI T0 OUT Y0, और इसे मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये मैंने लैच मेमोरी यूज़ की है यहाँ पर, और ये इसे मैंने PLC में प्रोग्राम डाउनलोड किया, और ये मैंने सिमुलेटिंग स्टार्ट किया। तो ये अब इसकी वैल्यू बिल्कुल D450 की 0 है। यहाँ पे अगर मैं फ़िक्स वैल्यू लिख दूँगा तो वो फ़िक्स वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मैं जितनी वैल्यू लिखूंगा उतने के बाद ये मैंने 4.5 सेकंड लिखे हैं K45, तो ये इतनी देर बाद ही जाके ऑफ हो जाएगा। देखिए 45 जब ये पूरे होंगे, ये 4.5 सेकंड बनते हैं, तो ये इसने इतनी देर में पूरा कर दी। यहाँ पे आप इसे मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं कि K120 12 सेकंड कर देते हैं, तो ये 12 सेकंड बाद ही जाके 12 सेकंड बाद जाके आउटपुट ऑफ होगी, 12 सेकंड तक ये चलेगी। और अगर इसमें आप PLC को ऑफ भी कर देंगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा आपके लिए। M0 सिर्फ ऑफ होगी लेकिन ये अपनी वैल्यू नहीं छोड़ेगा। इसे दोबारा रन कर दें, ये रन हो गई है। और जो विदाउट इसके होते हैं ना, इसमें चेंजिंग वाकई नहीं होती है। और ये इसे मैं प्रेस करता हूँ F9 को, और यहाँ पे एक ओपन कॉन्टैक्ट लेता हूँ और क्लोज कॉन्टैक्ट लेता हूँ T2 का, और OY5 कर देता हूँ। तो ये देखें, अब मैं इसे फिर दोबारा ट्रांसफ़र करता हूँ। ये मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। अब ये देखें कि इस टाइमर को जब मैं स्टार्ट करता हूँ, दोनों को मैंने स्टार्ट किया, इसकी वैल्यू अब नहीं चेंज होगी जब तक प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैं इसे K23 रख देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 23। अगर इसे मैं K200 करना चाहता हूँ तो ये यहाँ से टाइमर दोबारा शुरू हो जाएगा। इस तरह डाटा रजिस्टर्स के साथ टाइमर्स को यूज़ किया जाता है। लैच और जनरल वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। ये तरीक़ाकार है इसको यूज़ करने का। अगर आपको इस वीडियो में कोई मसला है तो हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।